अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। टर्किश अदाना कबाब को न तो मैं बारबेक्यू करूँगी, कोयले पे सेकूँगी, ना इसको स्कीवर्स में लगाकर इसे मैं तवे पर करूँगी। इसको बिल्कुल आपको नए तरीके से बताऊँगी, ना आपको स्कीवर्स की ज़रूरत होगी, ना बारबेक्यू की ज़रूरत होगी। आप इसे बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं, जब दिल चाहे आप बनाएं और इसे इंजॉय करें। मैंने एक और आधी यानी डेढ़ जो है वो रेड बेल पेपर लिए। ये मेरे पास दरमियाने साइज़ की थी इसलिए मैंने डेढ़ लिए, आपके पास बड़ी है तो आप एक ले सकते हैं। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, इसको मैं हैंड चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी। आप मैं इसे हाथों से निचोड़ के निकाल रही हूँ, आप इसे छलने में भी डालकर निकाल सकते हैं या आप मलमल के कपड़े में डालकर भी इसे निकाल सकते हैं। इसके पानी को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसे फ्रीज़ कर दूँगी और इसे किसी भी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी। मैंने 800 ग्राम गाय का गोश्त लिया था और उसके अंदर 100 ग्राम चर्बी ली थी और इसको मैंने बाज़ार से ही जो है वो गोश्त वाले से इसको बारीक मशीन से दो दफ़ा निकलवा लिया है चर्बी के साथ। इसे चॉपर में बारीक चॉप नहीं करना है, इसे खीमे वाली मशीन से ही दो दफ़ा निकलवाना है। अब जो मैंने रेड बेल पेपर का पानी निकाल के रखा था वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ या चिली फ्लेक्स, और 2 चम्मच मैंने चॉप की हुई प्याज डाली है। प्याज का भी मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल दिया है। 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें और 2 से 3 अदद लहसुन के जवे, दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिलाकर बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 चमची मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर और 1 चमची मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। जिस तरह के आटा गूंदते हैं इस तरह के इसको गूंदें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। इसे कवर कर देंगे। अगर आप इसे स्कीवर्स पे लगाना चाहते हैं तो आप इसे स्कीवर्स पे लगा के भी सेक सकते हैं, और अगर आपके पास स्कीवर्स नहीं है तो मैं आपको वुडन स्कीवर्स भी बनाना बताऊंगी। मैंने 6 वुडन स्कीवर्स को एक साथ मिलाकर टेप लगा दिया ताकि ये आपस में एक साथ चिपकी रहें, हिले नहीं। मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया, इसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। अब इसके ऊपर मैं ये स्कीवर्स को रखकर, ये देखें दोनों साइड से मैं इसको मोड़ दूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें हमारी स्कीवर्स तैयार है। इस तरह मैंने 4 स्कीवर्स तैयार किए हैं, आप जितनी चाहे कर सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, मैं स्कीवर्स पे तो नहीं सेकूँगी लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपको इसको किस तरह स्कीवर्स पे लगाना है। अगर आप लगाना चाहें तो मैं इसको स्कीवर्स के बगैर ही बनाऊँगी। ये देखें इसको स्कीवर्स पे लगाने के लिए थोड़ा सा आप पैटर उठाएँ और इसको सीखों पर इस तरह लगा दें। अगर आपके हाथों पर चिपक रहा है तो आप हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लें और पानी लगा कर इसको प्रेस करें। सीखों के दोनों किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि ये सीखों के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसके ऊपर निशान बनाने के लिए हाथों पे पहले थोड़ा सा पानी लगा लें और उंगली और अंगूठे की मदद से इसको प्रेस करें। ये देखें इसके ऊपर निशान बन गए हैं। तवे पे सेकना है तो आप तवे को गर्म करें और इसको उलट पुलट कर सेक लें या इसे बारबेक्यू कर लें। लेकिन मैं आपको इन दोनों तरीक़ों के अलावा इस तरीके से भी बता रही हूँ। अगर आपको झटपट बनाना है और आपके पास सीखे भी नहीं है और आप सीख में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे बस कबाब के रोल बना लें और रोल बनाकर इसके ऊपर स्पून से जो है वो निशान बना लें। ये देखें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह निशान बना रही हूँ इसके ऊपर। वैसे तो अगर आप निशान ना भी बनाएं इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं, टेस्ट तो वही रहेगा क्योंकि इसके अंदर सारे इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो अदाना कबाब के ही डले हुए हैं। फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 कतरे तेल डाले। तेल को अच्छी तरह से बर्तन को फैला दें और ग्रीस कर दें। आप तवे पर भी बना सकते हैं। इसके अंदर तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है ज़्यादा। इसके अंदर अदाना कबाब रख के आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे सेक लें और जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाए तो आप इसे पलट दें। इसी तरह सारे कबाब बना लें। लाइक तो ज़रूर कर दें और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।